आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। दोस्तों कल मैं YouTube को स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक ऐसा चैनल दिखाई दिया जिसने मात्र 633 वीडियोस में ही अपने चैनल पे लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं, जिसे देखकर मैं खुद हैरान था। और इससे भी ज्यादा हैरान तब हो गया जब मैंने इस चैनल को देखा जिसका नाम है सुपर हीरो इन ट्रेनिंग। इस चैनल ने तो मात्र 320 वीडियोस में ही अपने चैनल पे 8.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। और इन वीडियोस पे आप व्यूज भी देख सकते हो, 150 मिलियन व्यूज, 35 मिलियन व्यूज, 23 मिलियन व्यूज, फिर 22 मिलियन व्यूज। इसी तरह से आप और भी वीडियोस देख सकते हो, इन पे भी मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अगर वही बात करें इस चैनल की अर्निंग की तो आप इस चैनल की एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग देख सकते हो जो कि मिनिमम $30,000 से लेकर के $400,000 तक है। अगर हम इसका मिनिमम $4,000 से $5,000 भी मान के चलें तो भी ये चैनल महीने के आराम से 3 से 4 लाख रुपए तक कमा रहा है। और इसी तरह आप भी कमा सकते हो। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये लोग अपना खुद का कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं, ये लोग सिंपल दूसरों की वीडियो को डाउनलोड करते हैं और उस पे अपना रिएक्शन देते हैं, फिर उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसे अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग ऐसा कौन सा तरीका यूज करते हैं जिसकी वजह से इनके चैनल पे कोई भी कोऑपरेट नहीं आता है और वही इनके वीडियो से व्यूज मिलियंस में आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आपको वीडियोस कहां से डाउनलोड करनी है, उसमें आपको खुद का रिएक्शन कैसे देना है और उसके बाद आपको वीडियो को एडिट कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक लाइक जरूर देना। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको वीडियोस कहां से डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए आपको YouTube पे आना है। अब यहां पे आप 2-3 वर्ड सर्च कर सकते हो, जैसे फनी वीडियो, चैलेंजिंग वीडियो और रिएक्शन वीडियो। आपको इस तरह से यहां पे सर्च करना है। अब यहां पे आपको काफी सारे चैनल मिल जाएंगे जहां से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहां से मैं इस चैनल को ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हो इस वीडियो पे 1800 वीडियो अपलोड है और लगभग 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए इस चैनल से कोई एक वीडियो को डाउनलोड कर लूंगा। इसी तरह से आपको यहां पे काफी सारे चैनल मिल जाएंगे जहां से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को डाउनलोड करने का एक और तरीका है, आप चाहो तो टिकटॉक ऐप से भी इस टाइप की वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो अब ये टिकटॉक ऐप आपको कहां पे मिलेगा, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हमने यहां पे वीडियो को डाउनलोड कर लिया है, तो अब आपको आगे क्या करना है। अब यहां पे आपको 2 फोन की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि एक फोन से हम रिकॉर्डिंग करेंगे और दूसरे फोन से हम रिएक्शन देंगे। यहां पे आप कोई शॉर्टकट यूज मत करना अगर आपको अपनी वीडियो को वायरल करना है। यहां पे आपके पास में 2 फोन होने चाहिए। अगर आपके पास में 2 फोन नहीं है तो एक फोन और एक लैपटॉप है तब भी काम चल जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल से कुछ रिएक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप को कुछ इस तरह से रखना है और अपने कुछ रिएक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। तो इसके लिए आप इन चैनल्स को देख सकते हो और इनमें जो भी आपको रिएक्शन पसंद हो उस तरह से आपको भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब अगर आपके पास में इतना सब कुछ रेडी है तो अब आपको अपने मोबाइल में किसी एक एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से स्कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लूंगा। आपको जो भी एप्लीकेशन अच्छे से आती हो आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको क्रिएट न्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब अपने मोबाइल को कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है, फिर यहाँ से इमेज एसेट्स वाले फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से किसी एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे आपको जितने सेकंड की वीडियो बनानी है आपको यहाँ से इस बैकग्राउंड को पकड़ के उतने सेकंड तक कर लेना है। इतना करने के बाद में आप सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने रिएक्शन वाले वीडियो को लेके आना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें अपने रिएक्शन वाले वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो आ गया है, तो अब हमें यहाँ पे दूसरी वाली वीडियो को लेके आना है जिसमें हमें रिएक्शन देना है। तो इसके लिए आपको फिर से इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी दूसरी वीडियो भी आ गई है। अब सबसे पहले हमें यहाँ से इस लेयर को पकड़ के अपने रिएक्शन वाली वीडियो के बाद में सेट करना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमें इस वीडियो को पूरा यूज नहीं करना है, हमें इस वीडियो से सिर्फ 7 से 8 सेकंड की क्लिप को ही यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड की क्लिप का, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को प्ले करूंगा और यहाँ से इस 7-8 सेकंड के क्लिप को यूज कर लूंगा और इसके आगे के बचे हुए इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा। तो इसके आगे वाले पार्ट को डिलीट करने के लिए आपको इस लेयर पे क्लिक करना है। अब आपके राइट साइड में काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहीं पे आपको ट्रिम एंड स्प्लिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको ट्रिम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे इस वीडियो का आगे वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना दूसरा रिएक्शन वाला वीडियो लेके आना है। इसके लिए आपको फिर से इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर इस मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपने दूसरे रिएक्शन वाले वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब यहाँ से आपको इस रिएक्शन वाले वीडियो को पकड़ के इसके पहले वाले वीडियो के बाद में सेट कर देना है कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद में अब हमें यहाँ पे दूसरे चैलेंजिंग या फनी वीडियो को लेके आना है। तो इसके लिए आपको फिर से इस लेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर इस मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको उस दूसरे फनी या चैलेंजिंग वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब आपको इस वीडियो को भी यहाँ से पकड़ के इसके आगे वाले वीडियो के बाद में सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब इस वीडियो से भी आपको 7-8 सेकंड की क्लिप को कट कर लेना है। कट करने के लिए आपको फिर से स्ट्रीम एंड स्प्लिट वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर से स्ट्रीम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे इस वीडियो का आगे वाला पार्ट भी डिलीट हो जाएगा।
गया। अब इसी तरह से आपको इसके आगे एक दो क्लिप को और जोड़ लेना है। आपको ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा 24 या 30 सेकंड तक रखनी है। आपको यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब बस आपको इसे यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के लिए सिंपल आपको इस सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से सेव एज वीडियो वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये वीडियो कुछ इस तरह से बनेगी। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए केवल दो क्लिप का ही यूज किया है, इसीलिए ये वीडियो अभी थोड़ी सी छोटी है। आप 3-4 क्लिप का यूज करोगे तो आपकी वीडियो 24 से 30 सेकंड तक बन जाएगी। इस तरह से आप रिएक्शन वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे अपलोड करो। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आज से ही आपने इस कॉन्टेंट पे काम करना शुरू किया तो आपका चैनल भी 10 से 15 दिन में ही ग्रो हो जाएगा, और इस पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।